सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी क्रोम पे अगर कुछ सर्च करते हो, कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करने का अगर कोशिश करते हो, तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, दिस साइट कैंट बी रिसर्चेड। अगर आप रिलोड पे अगर आप क्लिक करते हो तो फिर से आपको यही आ जाता है, दिस साइट कैंट बी रिसर्चेड। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सोल्व कर सकते हो, क्या करोगे तो ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। और अगर एक बार अगर ये स्टेप अगर आप फॉलो कर ले, तो जो स्टेप मैं बताऊंगा, तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी ये प्रॉब्लम आपको कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो तो आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। तो ये कैसे होगा, क्या करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या होगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाइज अगर वीडियो को अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हो और एक भी ट्रिक अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है, तो ये आपका जो दिस साइट कैंट बी रिसर्चेड वाला जो प्रॉब्लम है, तो इसको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, तो आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर दो, उसके बाद आपको सर्चिंग वाले आइकन पे आपको क्रोम यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। जो मैं सर्च कर रहा हूँ आपको भी इसी प्रकार से क्रोम सर्च कर लेना, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे क्रोम सर्च कर लिया और मेरा यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके यहाँ से अपडेट का ऑप्शन आता है तो पहले यहाँ से आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। जैसे इसको आप अपडेट कर ले तो प्ले स्टोर से उसका सीधा आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो देख सकते हो, ऊपर आपको 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ऊपर आप देख सकते हो एकदम कोना में आपको मिलेगा 3 डॉट का जो ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो फिर इसके बाद आपके सामने मतलब इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, उसके बाद आप आज तक जो भी चीज़ सर्च की हो टोटल हिस्ट्री यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपको मिल जाता है क्लियर ब्राउजिंग डाटा का जो आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, एक ऊपर मिल जाता है बेसिक, एक ऊपर एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बेसिक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो फिर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ये तीनों में सेलेक्ट होगा। तो आपको करना क्या, आपको 2 नंबर पर जो होगा आपका कुकीज एंड साइट डाटा भी अगर सेलेक्ट होगा तो आपको इसको यहाँ से अनटिक कर देना है। जैसे अगर ऐसे इस प्रकार से अगर आपका टिक है तो इसको अनटिक कर देना, मतलब इसको टिक से हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मतलब लास्ट 24 आवर्स है, तो ये आपका यहाँ पे ऑल टाइम होगा। जो देख सकते हैं यहाँ पे आपका इस प्रकार से ऑल टाइम होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके लास्ट 24 आवर्स इसको कर देना है। जैसे आप इसको इतना कर ले तो फिर आपको एडवांस वाला जो उसके ठीक सामने आपको एडवांस का ऑप्शन मिलता है, तो आपको एडवांस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, और सेम आपको इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 2 नंबर पर सेलेक्ट होगा तो इसको भी आपको इसी प्रकार से हटा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके ऑल टाइम होगा आपका, तो इसको सीधा लास्ट 24 आवर्स आपको इसको कर देना है। जैसे आप इतना कर ले तो हो, उसके बाद आपको थोड़ा बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको इस बार सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो नीचे देख सकते हो, नीचे आपको सेटिंग्स का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको थोड़ा नीचे आना, और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साइट सेटिंग्स का, ठीक है। तो आपको साइट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक करते हो, फिर ऊपर देख सकते हो, ऊपर आपको मिल जाता है लोकेशन का ऑप्शन, तो आपको लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका लोकेशन अगर ऑफ है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर लीजिएगा। जैसे इतना कर लेते हो फिर उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो देख सकते हो थर्ड पार्टी कुकीज का जो ऑप्शन मिल जाता है कंटेंट के ठीक नीचे आपको, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर आपका इस तीनों में अगर टिक है आपका, तो आपको फर्स्ट और थर्ड वाले में से हटा देना और 2 नंबर वाले में टिक रहने देना, जो देख सकते हो सेम इसी प्रकार से आपको रहने देना जैसा मेरा है, ठीक है। इतना आप कर लेते हो, उसके बाद आपको करना क्या, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सीधा अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। जैसे आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऐप्स ढूंढ लेना है। अगर आपको ऐप्स नहीं मिलता तो आप ऊपर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो ऐप्स, तो मेरा यहाँ पे ऐप्स यहीं पर है। जैसे आप ऐप्स पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्रोम पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रोम पर क्लिक करते हो उसके बाद परमिशन का जो एक आ जाता है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के ठीक नीचे आपको परमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आपको परमिशन वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से टोटल को आपको परमिशन दे देना, जो देख सकते हो जिस प्रकार से है टोटल को आपको यहाँ से परमिशन देना है। बस नोटिफिकेशन को आप चाहे तो दे सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। अगर आप नोटिफिकेशन को अगर दोगे परमिशन तो आपका जो भी होगा गलत गलत मतलब ऐसे में सब आपके
मोबाइल पे आता रहेगा क्रोम से, तो आप बेहतर है कि आप नोटिफिकेशन को ऑफ ही रखिएगा, ठीक है। बाकी सबको यहाँ पे कर दीजिएगा कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड ऑडियो, नियर बाई डिवाइस, फोटोज एंड वीडियोज, आपको इतना मतलब को कर देना है नोटिफिकेशन को ऑल पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना, नीचे आने के बाद पिक्चर एंड जो मिल जाता है आपको फ्यूचर, आपको इस पर क्लिक करके इसको भी अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल अनलॉक ऐप्स को भी क्लिक करके आपको अलाउ कर देना, जैसे आप इतना कर ले तो उसका थोड़ा ऊपर आना है और स्टोरेज एंड कैच वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ से क्लियर स्टोरेज नहीं करना है, क्लियर कैच का जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करके क्लियर कैच कर देना है। जैसे आप उतना कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो क्रोम का दिस साइड कैन बी रिसर्च वाला जो प्रॉब्लम था गाइज वो 101% आपका गाइज सोल्व हो गया होगा, वो भी मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपके चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।